स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया हुआ था, जिसको हिंदी में आप कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और आपको बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति में मेनली हमारे पास दो अक्ष होते हैं और दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक को एक्स अक्ष कहा जाता है और एक को वाई अक्ष कहा जाता है। और ये दोनों अक्ष पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांटते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है जो इसके लंबवत है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। और आपको बताया गया था कि जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं उसको मूल बिंदु ओरिजिन बोलते हैं। 0 से अगर राइट में जाएं, आगे की ओर जाएं, तो नंबर हमें प्लस वाले मिलते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ऊपर की ओर जाएं तब भी प्लस वाले मिलते हैं एंड सो ऑन। और अगर पीछे की ओर या नीचे की ओर जाएं तो माइनस वाले मिलते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से नीचे की ओर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये 4 इसके चतुर्थांश बन गए हैं। इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं और इसको चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है दूरी सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। तो दूरी सूत्र, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, और ये फार्मूला हमें बताता है दो बिंदु जिनके हमें निर्देशांक पता हो, ज्यामिति निर्देशांक पता हो, उनके बीच की दूरी। जैसे कि अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, A के निर्देशांक अगर x1 और y1 है और B के निर्देशांक x2 और y2 हैं, तो दूरी सूत्र हमें A और B के बीच की दूरी बताता है, बीच का फासला बताता है। और जो फार्मूला है जो हमें याद रखना है A और B के बीच का डिस्टेंस निकालने का, वो हमारे पास है x1 - x2² + y1 - y2² और टोटल स्क्वायर रूट। अगर हम x2 - x1 और y2 - y1 लिखें तब भी एक ही बात है। तो इसको यह भी लिखा जा सकता है AB = x2 - x1² + y2 - y1² ये आया कैसे है ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। इसका प्रूफ, मान लो कि जैसे आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है A, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। मान लेते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले चतुर्थांश में है। तो अगर मैं बिंदु A से x एक्सिस पर लंब गिराऊं तो ये वाला जो बिंदु है वो x1 कहलाएगा, और अगर बिंदु A से y एक्स पर लंब गिराऊं तो ये वाला जो बिंदु होगा वो y1 होगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो तो होगी y1, ये वाली दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी x1। इसी तरीके से अगर मुझे एक बिंदु B और मिल जाए और मैं इससे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब गिराऊं, मान लो ये x2 पर मिलता है तो इसका x कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा, और अगर y अक्ष पर लंब गिराएं तो ये अगर y2 पर मिलता है y अक्ष को तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो y2 है,
इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो भी y2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी y2। और इसी तरीके से अगर इसका x कोऑर्डिनेट b का x2 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो है x2। इसका मतलब जब ये दूरी x2 है तो ये जो सामने वाली दूरी है वो भी x2 है, क्योंकि ये एक आयत बन रही है, आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो ये x2 हो गई है। अब अगर मैं a और b को मिला दूँ, सपोज़ कि मैं अगर a और b को मिला देता हूँ और यहाँ पर a से एक लंब गिरा दें, तो ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाती है। और समकोण त्रिभुज के लिए आपको पता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि यह बिंदु D है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हमारे पास आया है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण है ए बी, ए बी का वर्ग लें तो बराबर हो जाएगा आधार, आधार हो गया ए डी, ए डी का वर्ग, और लंब हो गया बी डी, बी डी का वर्ग। अब जो ए डी आएगा हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल है एक्स टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है x1, तो ये कितना रह गया x2 माइनस x1, तो ये डिस्टेंस क्या रह गया हमारे पास x2 माइनस x1। इसका मतलब ये जो AD की लंबाई आई है ये आ गई है x2 माइनस x1, तो AD की जगह लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग। और जो BD है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल y2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y1 है, तो ये डिस्टेंस क्या रह गया y2 दिस माइनस दिस, ये डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करें तो BD आ जाएगा, ये डिस्टेंस है y2, ये डिस्टेंस है y1, तो ये डिस्टेंस रह गया y2 माइनस y1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रह गया y2 माइनस y1, तो BD की जगह लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ए बी का वर्ग, अगर वर्ग को हटाएंगे तो दूसरी साइड जाके वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए बी हो गया वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र, ये आपको याद रखना है।